बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी द्वारा रविवार को माध्यमिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा में पूरे सूबे में दूसरा स्थान समस्तीपुर के आदर्श कुमार ने पाया है, जिन्हें 500 में से 488 अंक प्राप्त हुए हैं। विद्यापति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ बाजितपुर उत्तर के छात्र आदर्श कुमार के पिता रामनाथ महतो दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वही माता नीलम देवी गृहिणी है। वो सिलाई मशीन चलाकर परिवार के भरण पोषण में सहायता करती है। विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत मऊ धनेशपुर उत्तर पंचायत के दमदमा गांव निवासी आदर्श तीन भाई बहनों में से सबसे छोटा है। चाचा बैजनाथ महतो सरकारी शिक्षक है। बैजनाथ महतो बताते हैं कि आदर्श जब परीक्षा देकर निकला था तो अंदाजा था कि वो जिला टॉपर जरूर होगा, लेकिन परीक्षा परिणाम में स्टेट सेकंड टॉपर बनने की जानकारी मिलते ही घर परिवार सहित पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। टॉपर आदर्श कुमार ने अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई कर उन्हें ये कामयाबी मिली है। गणित विषय से आगे की पढ़ाई करने की सोच रखने वाले आदर्श आगे चलकर IIT कर एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है। उधर अपने इकलौते बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए मां नीलम देवी कहती है कि आदर्श आगे जो भी पढ़ाई करना चाहेगा हम लोग पूरी तन्मयता के साथ उसमें सहयोग करेंगे। मैं जो है 10वीं बोर्ड में सेकंड टॉपर किया है, क्या कुछ कहिएगा और क्या कुछ अपेक्षा था आपका, कैसी तैयारी थी? मेरी तैयारी तो शुरुआत से अच्छी थी और मैं सोच रहा था कम से कम मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप खड़ू, इस शुरुआत से मेरी यही मतलब पूरा स्कूल में अच्छा अंक आए। वही जो कैसे कहाँ पढ़ाई करते थे और क्या कुछ जो है कहिएगा? मैं ऑफलाइन कोचिंग तथा जी के यहाँ शेयर पॉइंट पढ़ता था और सेल्फ स्टडी भी किया और मतलब यूट्यूब पर लास्ट टाइम में ऑनलाइन पढ़े थे। पापा क्या करते हैं और आगे आपका क्या बनने का इरादा है? पापा मेरे मजदूर हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? दिल्ली में। अच्छा, कब से कर रहे हैं? कब से, जब हम कहीं तो 6 साल के थे तभी से। क्या कुछ बनना है आगे? क्योंकि इंजीनियर बनना। खुशी है? बहुत खुशी है। किस तरीके का बच्चा आपका तैयारी करता था? अच्छा से तैयारी कर रहा था, बहुत मेहनती था। बहुत मेहनती था। कहाँ तैयारी करते थे वो, घर पे या कोई कोचिंग संस्थान में? स्टडी पॉइंट में। तो वो बच्चा कितना घंटा पढ़ता था? मन हर वक्त पढ़ते रहता था। हर वक्त पढ़ते ही रहता था, खाना खा लेता था, रूम में बंद होकर पढ़ते रहता। क्या आप सोच रखे थे हमारा बेटा बहुत बड़ा कदम बढ़ाएगा? हाँ, सोच रखे थे। आगे क्या बनाना चाहेंगे उनको? अच्छा बनाना चाहते हैं, जो उनका इरादा होगा वो कर। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देव। आदर्श के कौन हुए आप? मम्मी। मेरा भतीजा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आदर्श सेकंड टॉपर हुआ है। यही समझिए कि जब से वो जन्म लिया उसी समय से हमारे सानिध्य में है और उसे बचपन से पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया। उम्मीद तो नहीं थी कि वो बिहार का सेकेंड टॉपर बन जाएगा, जिला टॉपर तक हम उम्मीद रखते थे, लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। परिवार में पूरा आनंद का माहौल छा गया है। समझिए कि जिसके दादा मजदूर, जिसके पिता मजदूर, और उस घर में यदि ऐसी खुशी आती है तो सोच सकते हैं कि उसे ब्याह करने के लिए हम लोग के पास सब कर जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमरनाथ महतो है और मैं इसी बार +2 में TRU-2 में सिलेक्शन मेरा हुआ है। अभी मैं मटिहानी ब्लॉक बेगूसराय में हाई स्कूल सफापुर में पोस्टेड सेकंड टॉपर है बिहार विद्यालय। अच्छा लग रहा है। कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा था? बहुत अच्छा कर रहा था। आगे क्या बनाना चाहेंगे पुता को? ऑफिसर बनाना चाहते हैं। आप अपने क्या करते हैं? गृहस्थी कर रहे हैं। गृहस्थी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम स्वारत। बिहार में बहुत अच्छा समय है। कैसा लग रहा है घर परिवार में? अच्छा लग रहा है। क्या बनाना चाहेंगे आगे पुता को? भगवान तो बनाएंगे, जो बनाएंगे सो भगवान को बिना करते हैं, हमारे पोता आगे निकल जाए। घर में आनंद लग रहा है? आनंद लग रहा है। पढ़ाई लिखाई कैसा कर रहा था पोता? अच्छा करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सवित्री देवी। सेकंड टॉपर रहा है आदर्श कुमार। ये हमारे गांव के हैं, मेरा घर बगल मिर्जापुर हुआ हाई स्कूल के बगल में और स्टडी पढ़ती थी, कोचिंग से हम लोग भी पढ़े हैं जैसो। और संजोग से मुझे जानकारी मिला तो पता चला कि ये नज़दीकी बच्चा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। हम लोग भी विद्यालय में वहाँ देखते थे, बहुत ही अनुशासन तरीका से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करता था और स्टडी पॉइंट में वहाँ कोचिंग कर लेता था जैसो। बहुत ही अनुशासित और बेस्ट बच्चा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह। बहुत अच्छा, क्या बतलाओ, उसे बचपन से ही तैयार किए थे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कैसा है?
वो बहुत अच्छा से पढ़ रहा था, शुरू से ही मेधावी लड़का रहा था, क्योंकि उसे बचपन से ही हम पढ़ाए, हम कोचिंग चलाते हैं, छोटा सा कोचिंग चला रहे थे। अब तो हमारी भी ज्वाइनिंग हो गई है तो कोचिंग पर समय नहीं दे पाता हूँ, जो सच्चाई है, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग 11 12th में इस बार हुई है। BPSC TRE 2 हम क्वालिफाई किया है और खानपुर ब्लॉक मेरा ड्यूटी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कोचिंग अब नहीं चला पाते हैं। कुछ हमारे ही लड़के लोग हैं जो कि वहाँ अभी भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन उस लड़के को मुझे सौभाग्य इतना था कि घर परिवार के जितने भी बच्चे थे सबको हमने खुद से तैयार किया। मेरा छोटा भाई भी इस बार 11 12th में सेलेक्ट हुआ है, इसे भी मैंने बचपन से देखा था। मेरा एक चाचा का लड़का है इंडियन नेवी में अभी जॉब कर रहा है, वो लड़का, उसे ही मैंने देखा था। मतलब घर परिवार को जो है खुद से देख रहे थे, बहुत आनंद फील हो रहा है और क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लड़का सब तैयार। क्या लगता था आदर्श जिस तरह से तैयारी कर रहा था, आप लोगों को लग रहा था टॉप करेगा? जी नहीं, ये कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रहा था कि मेरा भतीजा जो है सो इतना बढ़िया जो है बिहार का टॉपर बन जाएगा। हाँ, ये उम्मीद था कि जिला टॉप जरूर कर जाएगा, ये उम्मीद था मुझे। क्या घर में आनंद लग रहा है? बहुत सुंदर खुशी का माहौल है सर। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैद्यनाथ महतो है।